हेलो। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा लेसन है आज का, फाइंड अ फ्रेंड, ये हमारा तीसरी क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का एक लेसन है। अगर हम टेक्स्ट बुक में देखिए तो इस लेसन में जो है सिर्फ एक एक्टिविटी दी है कि किस तरह बच्चे नए दोस्त बना रहे हैं, मगर वी स्कूल पर बनाते वक्त हमने इसमें बहुत सारी जो है दिगर चीजें जो कि एक दोस्ती के अंदर जरूरी होती है वो भी ऐड की है। जैसे कि अच्छी और बुरी दोस्ती, अच्छे दोस्त की निशानियां, बुरे दोस्त की निशानियां, दोस्तों के साथ में हम कौन से बॉन्ड्स और रिलेशंस शेयर करते हैं, ये भी चीजें। तो ये सारे जो है हमारे आउटकम्स है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी और बुरी दोस्ती के दरमियान फर्क पहचानेंगे। बच्चे ये जानेंगे कि एक अच्छे दोस्त की क्या खासियतें होती है, और बच्चे को ये पता चलेगा कि वो एक्चुअली ये लोग दोस्ती में सबसे करते हैं, बट उन्हें इन चीजों के नाम नहीं पता था। उन्हें पता चलेगा कि वो लोग जो दोस्ती में बॉन्ड्स और रिलेशन शेयर करते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए हमने एनएपी 2020 से दो डोमेन स्पीक किए हैं। पहला है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, और दूसरा है सोशियो इमोशनल एंड इथिकल डेवलपमेंट। और इन सब जो है हमारे आउटकम्स हैं, इनको डिलीवर करने के लिए हमने मल्टीपल यानी अलग अलग एक्टिविटीज को इसमें इस्तेमाल किया है, ताकि बच्चे आसानी से इस जो या जो भी चीजें हमने इसमें सिखाई है समझ सके। तो इन एक्टिविटीज को आप भी आपके जो क्लासरूम है, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में लीजिए और आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।